The Power of Dreams. Honda at Iskar, Pakistan has taken an initiative to project soft image of Pakistan through its 14 days cross-country journey, starting from Karachi, going all the way up to Punjab. Trying to explore natural beauty and also the cultural beauty of Pakistan, and we want to highlight the unexplored areas. My God, this is a beautiful car and a beautiful logo. खुशी होती है हर उस जगह जाने में जहाँ पे पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाता है, और होंडा ने बड़ा ज़बरदस्त ये एक नया एक ट्रेंड शुरू किया है। गाड़ियों का कैरावान जो है पूरे पाकिस्तान में भेजेगी, और वो पाकिस्तान की नेचुरल ब्यूटी को, कल्चर को और बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लोर भी करेंगे और सेलिब्रेट भी करेंगे। पाकिस्तान के रंग बी आर वी के संग। In this episode, we'll take you to the heart of Pakistan, from where we will travel to Balochistan to show you the exotic Hingol National Park. Karachi, sixth most populous city of the world and Pakistan's largest city, is home to diverse cultures, countless spoken languages and brilliant architectural heritage. We began our journey by paying tribute to father of the nation, Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. Designed by famous architect Yahya Merchant in modernist style, the mausoleum also contains the tomb of Madre Millat Fatima Jinnah and Liaquat Ali Khan, the first Prime Minister of Pakistan. Built in 1865, Freer Hall was originally intended to serve as Karachi's town hall and now serves as an exhibition space and library. It is considered as one of Karachi's most iconic buildings. To beat the heat, we had the best thirst quencher, Nimbu Pani. We ended the day with a beautiful sunset sight at Clifton Beach, Karachi. On day two, the Honda BRV caravan was all set to travel to the nature's wonder, Princess of Hope. मैं कोई 8 साल से पजेरो चला रहा हूँ, उसके अलावा कल पहली दफा मैं इसमें बैठा हूँ,
और इन्जॉय कर रहा हूँ। ये SUV जैसा एक जो कॉन्सेप्ट है ना कि 7-सीटर भी है और खड़ी भी कोरोला जितनी पार्किंग में हो जाती है, सबसे बेस्ट ये है। अभी विंदर पे हमने चाय स्टॉप किया था, अब हमने 0 पॉइंट से लेफ्ट को मकरान कोस्टल हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं। अब हमारा स्टॉप आएगा चंद्रगुप्त मद वॉल्केनोस जो कि एक्टिव वॉल्केनोस है। उसके बाद फिर हम जाएंगे कुंडमलीर बीच की तरफ लंच करेंगे, लंच के बाद हम जाएंगे प्रिंसेस ऑफ होप देखेंगे जाके। ये मकरान कोस्टल हाईवे हम जा रहे हैं तो आगे माउंटेन रेंज से पहले ये फ्लैट लैंड है। गर्मियों में इधर बहुत तेज़ हवाएं चलती है और सैंड स्टॉर्म बहुत आते हैं तो वो कभी कभी ड्यून्स रोड पे भी आ जाते हैं। ये पूरा फ्लैट लैंड है। फिर अभी माउंटेन्स हमको आधे घंटे के बाद पहाड़ी इलाका शुरू हो जाएगा, सारे माउंटेन्स आएंगे। आगे यहाँ एक छोटा सा गांव है उसका नाम भी लियारी है। एक लियारी हमारे पास कराची में है और एक लियारी ये है सामने, वो अगर कैमरा वहाँ दिखा दें तो घर नज़र आ रहे हैं। ये राइट में माउंटेन रेंज स्टार्ट हो गया है। ये कुछ साल पहले चंद्रगुप्त मद वॉल्केनो पे इन्होंने लिखा हुआ था कि टॉलेस्ट 300 फीट एक्टिव वॉल्केनो। फिर हमारे ग्रुप ने डिस्कवर किया कि नहीं यार 300 फीट से ज़्यादा और पहाड़ियाँ हैं। ये राइट पे एक है, ये वाइट वाइट ऊपर नज़र आ रहा है, ये है 1200 फीट है एक्टिव मद वॉल्केनो। हमने जाके इसको एक्सप्लोर किया, इसके ऊपर टॉप पे गए, फिर इसका हमने नाम रखा था कोई मेहदी। शदीद गर्मी में हम लोग ट्रैवल करके आए हैं यहाँ प्रिंसेस ऑफ होप तक। इसके बीच में एक बहुत अच्छी सी जगह हमने डिस्कवर करी थी चंद्रगुप्त, उधर मड वॉल्केनोस थे, ऑफ रोडिंग भी काफ़ी करनी पड़ गई थी वहाँ पे, और अबव जैसे कहते हैं ना कि एक्सपेक्टेशंस थी, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। BRV से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ऑफ रोडिंग में भी माशाल्लाह कमाल करें। I was the passenger और ये के ता भाई के साथ बैठा था और माशाल्लाह पहाड़ के ऊपर ले गए BRV को। बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि गाड़ी पहाड़ के ऊपर जाएगी। चिकगोरी छट पाव जोरे ने आतम लग गया हंटी पाव तोरे ने अला भाग गया पट्टी पाव जोड़े ने। Chandrakoot is an active mud volcano. The volcano is considered holy by Hindus and is an important stop for pilgrims on their way to the shrine of Hinglaj. Finally, after reaching Hingol National Park, the spectacle of Princess of Hope was mesmerizing. The sea breeze coming from the Arabian Sea has worked for many years as an expert craftsman to carve this beautiful sculpture. The entire landscape is covered with gorges and mountains of mud and rock. Climate changes, rain and strong winds coming from the sea have transformed these rocks into nicely sculpted objects. The formation of Princess of Hope is so perfect that it appears to be a masterpiece of a skilled artisan. In next episode, we will travel through the beautiful bridges of Sakhar and pay a visit to the historic tomb of Seven Sisters.